15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगने की सोमवार से शुरुआत हुई, जिसके चलते स्कूली छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। देपालपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन को उत्साह के रूप में मनाया गया। यहां सेंटर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। वहीं छात्राओं में भी उत्साह दिखा। क्षेत्र के 47 केंद्रों पर 9010 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। नगर के स्कूलों में गांव से आने वाले बच्चों के लिए बिस्किट नाश्ते की भी व्यवस्था की गई। वहीं शिक्षक भी वैक्सीनेशन के प्रति समर्पित दिखे। बच्चे आज के दिन को वैक्सीन उत्साह के रूप में मना रहे हैं। लंबे समय से किशोर युवक युवतियों को वैक्सीनेशन का इंतजार था। सोमवार से 15 से 18 वर्ष के किशोर युवक युवतियों को वैक्सीनेशन लगने की शुरुआत हुई। वहीं देपालपुर में भी 8 संकुल के स्कूलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, जहां सुबह से ही छात्र छात्राओं में उत्साह दिखा और दो दिनों में ही तहसील में 7229 विद्यार्थियों को पहली डोज लग चुकी है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देपालपुर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। बच्चों में बहुत अधिक उत्साह है। बच्चियां वैक्सीन के प्रति बिल्कुल लीडर होकर उत्साह के साथ अपना वैक्सीनेशन का डोज पूरा कर रही हैं। संस्था की तरफ से भी उनको नाश्ता पानी कराया जा रहा है। बच्चियां उत्साह के साथ बैठी हैं, अपने डोज लगाने का इंतज़ार कर रही हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए भी उनके मन में बहुत अधिक उत्साह है। बाहर या कम से कम हमारे स्कूल से 60% लड़कियाँ गाँव से आ रही हैं और गाँव की लड़कियाँ जैसे हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है, इससे हमारे स्कूल को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया, हमारे स्कूल में एक वैक्सीनेशन त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। जैसे सभी बच्चियाँ वैक्सीन लगवा रही है और सब उत्साह और उमंग के साथ में भी लगवा रही है। किसी को डर नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और सभी के सभी जैसे कि कोई उत्साह नहीं मनाते हमारे स्कूल में, सब त्यौहार की तरह हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन को मनाया जा रहा है और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत उमंग के साथ हमने भी वैक्सीनेशन लगवाया और जैसे हमारे स्कूल में कोई बच्चियाँ कोई नहीं आ पा रही है वो भी लगवा रही है और जो छुट्टियों पर है हम उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि वो आगे आके यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाए। आपका नाम? प्रियंका राठौर। देखिए आज जो है तहसील देपालपुर क्षेत्र के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से अधिक की हो चुकी है उन सबको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और बच्चे जो है बड़े ज़ोर शोर से इस वैक्सीनेशन में मतलब भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से प्रशासन अपने काम को बड़ी आसानी से पूरा कर लेगा। सर आपने कहा ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि बच्चे मतलब ना तो डर रहे हैं। 3 जनवरी के दिन हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू हुआ है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया है और उनके सपना जो उन्होंने 100 करोड़ युवाओं को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट बनाया था जिसमें वो पूर्णतः सफल हुए और मेरा मानना है कि इसी बच्चों के वैक्सीनेशन के टारगेट में वो 100 करोड़ पूरा करने में बहुत जल्दी सफल होंगे। आज हमारे विद्यालय में जो एक ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है उसे एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे स्कूल को गुब्बारे से सजाया गया है। वैसे बच्चों को जिन्हें वैक्सीनेशन लग गई है उन्हें नाश्ता पानी के लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतलब संपूर्ण अभी मैं फिलहाल वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है। देखिए हमारे स्कूल में पूरे स्कूल की लड़कियाँ बहुत ही उत्साह से वैक्सीनेशन करवा रही है और उन लोगों को बहुत खुशी है वैक्सीन लगवाते हुए कि हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे और हमारे आसपास का माहौल भी सुरक्षित रहेगा और हम दूसरों को भी प्रेरित करेंगे ताकि वो भी है ना जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें और हमारे जो मोदी जी है जिन्होंने ये इतनी अच्छी पहल जारी की है इसको आगे बढ़ाएं और वैक्सीन लगवाएं। आपका नाम? साक्षी पांचा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।